बहुत बड़ा प्रैंक हो गया। हेलो फ्रेंड्स, आप सबों का स्वागत है फिर से एक नए ब्लॉग में। आप सबों को गुड मॉर्निंग, हाय। और आप लोग सब कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप लोग सब अच्छे होंगे, यहाँ हम लोग भी अच्छे हैं। तो सब कोई स्वस्थ रहिए, अच्छे रहिए, यही हम दुआ करते हैं, ताकि आने वाले जीवन में भी आप लोग अच्छे से रह करके अपने जीवन को अच्छे से बिता पाए। तो फ्रेंड्स, आज हम जो है वो पत्ता गोभी का पराठा बनाने वाले हैं। फुल रेसिपी नहीं शेयर कर पाएंगे, थोड़ा हड़बड़ी हड़बड़ी रहता है ना सुबह को। तो चलिए, जो कुछ भी हो पाएगा आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। तो क्या क्या करते हैं वो दिखाएंगे, और पत्ता गोभी के पराठे के साथ बनाएंगे हम टमाटर की चटनी। आप उसके साथ कुछ भी खा सकते हैं, दही, धनिया पत्ता की चटनी, सॉस, जिसको जिसके साथ खाने का मन है आप लोग खा सकते हैं। तो आप लोग भी ज़रूर ट्राई कीजिए और बना करके खाइए। तो चलिए जल्दी जल्दी बनाते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पत्ता गोभी को हम कद्दूकस करके यहाँ भूनने के लिए हम डाल दिए हैं। फ्रेंड्स, इसमें हम जीरा का फोरन दिए और प्याज दे करके तेल के साथ छौंके हैं और पत्ता गोभी को डाल दिए। ये थोड़ा अच्छा से भूंजेंगे और फिर इसमें सारे मसाले ऐड करेंगे। फ्रेंड्स, अब हम पत्ता गोभी में जीरा पाउडर, धनिया पाउडर, हल्दी, नमक, कश्मीरी मिर्च पाउडर और थोड़ा सा चिकन मसाला मिला करके सबको उसके साथ मिला देंगे। फ्रेंड्स, अब हम सारे मसालों को इसमें ऐड कर देंगे। और इसको अच्छी तरीके से भून लेंगे। और फ्रेंड्स देखिए, यहाँ टमाटर काट के भी रेडी हो गया है। अब इसको छौंक लगा करके एक टेस्टी चटनी बना के तैयार कर। तो फ्रेंड्स, चलिए हमारे साथ बने रहिए ब्लॉग में और देखते रहिए हमारा गोभी का पराठा कैसे हम बना रहे हैं और दिन भर हम लोग क्या कर रहे हैं, कैसे हर कुछ आप लोग के साथ शेयर करेंगे। अगर वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दीजिएगा। तो चलिए हम लोग के साथ ब्लॉग में बने रहिए। फ्रेंड्स, इधर मेरा चटनी भी हो रहा है, तो फटाफट हो जाएगा चटनी भी इधर। और चलिए हम फटाफट आटा सान लेते हैं। फ्रेंड्स देखिए, यहाँ मेरा मसाला बन करके रेडी हो गया, इसको ठंडा करने के लिए दिए हैं। और यहाँ हम आटा सान के भी रेडी कर लिए हैं। आटा में थोड़ा सा नमक, थोड़ा सा अजवाइन और थोड़ा सा रिफाइंड तेल देके अच्छे से मिक्स करके और आटा को सॉफ्ट डो तैयार कर लिए हैं। तो अब इसमें सारे को स्टफिंग कर लेंगे और उसके बाद फटाफट पराठा बना लेंगे। फ्रेंड्स देखिए, हम एक कटोरा जैसा बना लिए हैं। अब इसमें हम जो मसाला रेडी किए हैं उसको हम इसमें डाल देंगे। इसमें हम मसाला को अच्छी तरह से डाल दिए हैं और इसको अच्छी तरीक़ा से बंद करके और फिर रोटी बना लेंगे। फ्रेंड्स देखिए, हम रोटी को बना करके तवा में पकने के लिए दे दिए हैं। अब इसको अलट पलट करके अच्छे से तेल लगा करके मेरा पराठा रेडी। तो फ्रेंड्स देखिए, मेरा पराठा बहुत अच्छी तरीक़ा से पक करके रेडी हो गया। अब ये गर्मा गर्म चटनी के साथ सर्व करने के लिए रेडी है। तो आप लोग भी ऐसे बनाइए। फ्रेंड्स, आप लोग देखें मेरा पराठा कितना अच्छा से बन करके रेडी हो गया है। तो जल्दी जल्दी बाकी पराठा को हम बना लेते हैं, उसके बाद फिर आप लोग से मिलते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, मेरा गर्मा गर्म पराठा और गर्मा गर्म चटनी दोनों बन कर रेडी हो गया है। अब इसे टेस्ट करना है और इन्जॉय करना है। तो आप लोग भी बनाइए और खाइए और इन्जॉय कीजिए। तो कितना अच्छा बना है मेरा गोभी का पराठा, आप लोग देख ही सकते हैं। मेरा ब्रेकफास्ट बनाना हो गया, फटाफट टिफ़िन पैक कर देते हैं क्योंकि टाइम हो गया है एंजल का पापा का, जल्दी निकलेंगे और वो अभी ब्रेकफास्ट कर रहे हैं। और जैसे कर लेंगे फटाफट वो अपने ड्यूटी के लिए निकल जाएंगे। हाँ, एंजल खेलने में व्यस्त है ना। एंजल हाय कर दो, हाय। इधर देख के हाय। एंजल क्या कर रही है? एंजल मटर छीली है और मटर को उसमें डाल रही है, निकाल रही है और खेल रही है। फ्रेंड्स अभी तीन पंद्रह हो रहा है और अभी से वीडियो को फिर से कंटिन्यू कर रहे हैं। सुबह को ब्रेकफास्ट करके एंजल के पापा स्कूल चले गए थे, उसके बाद हम दोनों
ब्रेकफास्ट किए, सारा काम किए, लंच वंच बनाए, बाकी जो कपड़ा धोना और घर का साफ सफाई जो भी काम था सब किए। फिर आज दोनों को ही हम लोग बाल धो करके नहाए। देख रहे हैं मेरा बाल तो ऐसे देखते खुला रहता नहीं है, तो आज हम दोनों कब से धोएंगे धोएंगे तो लेट हो जाता था। कल भी वैसे ही करते करते काम लेट हो गया था तो धो ही नहीं पा रहे थे, तो आज सोचे चलो आज जल्दी हो गया हम लोग का काम, तो दोनों को आज पूरा अच्छे से शैम्पू किए बाल को और धोए और दोनों। और एंजल अभी सो रही है, वो उठी थी एक बार फिर उसका नींद पूरा नहीं हुआ था, तो हम सोचे चलो डिस्टर्ब नहीं करते, वो आज खाना भी नहीं खाई है। नहाई, नहाने के बाद थोड़ा सा दूध पी और उसके बाद अपने खेल रही थी, खेलते खेलते सो गई। तो उठेगी तो खिला देंगे सोचे, तो एक बार उठी लेकिन उसका नींद इतना मतलब सुसु कर दी थी, तो इसीलिए उठी फिर और सो गई। तो हम बोले छोड़ो उसका जब अच्छे से नींद टूटेगा ना तभी उसको उठा करके खिलाएंगे, नहीं तो अभी ज़बरदस्ती करेंगे ना तो वो रोने लगेगी, उसको अच्छा नहीं लगेगा और चिड़चिड़ हो जाएगी, इसलिए जब उसका नींद टूटेगा तब फिर वो अपना उठेगी तो अच्छा से उस समय हम उसको खिला देंगे। और आज हम क्या क्या बनाए हैं लंच में, तो चलिए आप लोगों को एक बार दिखा देते हैं कि आज हम लंच में क्या बनाए हैं। यहाँ है चावल, यहाँ है आलू, टमाटर और मटर का रस वाला सब्जी जो बहुत ही प्यारा कलर आया है, देख रहे हैं टमाटर के चलते इतना अच्छा कलर आया है ना। और यहाँ है टमाटर का चटनी जो सुबह को बनाए थे तो उसको थोड़ा सा रख दिए थे कि दोपहर में भी हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए हम पकौड़ी बनाने के लिए बेसन को सान करके प्याज साग के साथ रखें, कल का प्याज साग थोड़ा हम रख दिए थे पकौड़ी बनाएंगे बोल के, तो कल रात को बनाए नहीं तो अभी सोचे आज बना देंगे, तो गरम गरम ही अच्छा लगेगा इसलिए से हम अपने लिए बना के खा लिए हैं और इसको सान के रख दिए, जब समीर का हो जाएगा तो उनके लिए बना देंगे। तो फ्रेंड्स देख लिए आज का लंच क्या था, बस यही था आज का लंच। और पकौड़ी को हम गरम गरम जब वो ट्यूशन पढ़ा लेंगे ना तब गरम गरम छान देंगे तो अच्छा लगेगा, क्योंकि ठंडा हो जाने से फिर मज़ा नहीं आता है, दो मिनट तो लगेगा छानने में, तो इसीलिए तल देंगे तो हो जाएगा। और अभी एंजल तो सो रही है और उसका पापा ट्यूशन पढ़ा रहा है, तो चलिए वीडियो में कंटिन्यू बने रहिए। फ्रेंड्स यहाँ देखिए एंजल उठ गई है, नींद कह रही थी ना, इधर देखो हाय बोल दो, हाय बोल दो, हाय बोल दो, मेरी माँ है ना तुम, हाँ एंजल बोलती है माँ है, माँ है ना, हाँ एंजल अभी उठी है, अभी अभी 3:30 बज गया, 3:30 बज के भी पार हो गया, एंजल अभी उठ रही है ना एंजल, और उसके पापा का याद आ गया, तो एंजल अभी जाएगी अपने पापा से मिलने के लिए बाहर। एंजल पापा को बुलाओ, पापा को बुलाओ, जल्दी बुलाओ, एंजल का बाल कितना सुंदर हो गया है, बुला बुला अभी भी लग रहा नींद है। तो फ्रेंड्स यहाँ हम और एंजल इसलिए हंस रहे क्योंकि एंजल के पापा के ऊपर हो गया है बहुत बड़ा वाला प्रैंक, हम लोग का प्रैंक जो है पूरा सक्सेसफुल हो गया और माँ बेटी मिल करके फर्स्ट टाइम प्रैंक को सक्सेसफुल कर लिए, लेकिन यहाँ लाइट ऑफ के कारण हम शूट नहीं कर पाए। तो जब एंजल के पापा ताला खोल करके अंदर आए तो फ्लैश लाइट जला करके वो स्विच ऑन कर रहे थे, तो उस समय कैमरा ऑन करके रिकॉर्ड किए, इसीलिए ऐसा लंबा में हो गया। भी बहुत बड़ा प्रैंक हो गया, भी बहुत बड़ा प्रैंक हो गया। तो फ्रेंड्स अभी अभी एंजल के पापा के ऊपर बहुत बड़ा प्रैंक हो गया, तो वो उसको पता नहीं था और हम इधर से लाइट ऑफ कर दिए तो शूट उट नहीं कर पाए, लेकिन वो ही बताएंगे कि उसके ऊपर क्या प्रैंक हुआ, तो प्लीज बताने का कष्ट करें। अभी अभी जस्ट मैं बाहर से वापस लौटा ट्यूशन पढ़ा करके, तो इनकी प्लान थी कि इनको जाना था दीदी के घर, तो मैं बोला कि मुझे तो अकेले में मज़ा नहीं आएगा, तो सैटरडे संडे है तो ऑब्वियसली जाने का मूड कर रहा था इनको, तो ये लोगों का ऑलरेडी बात बात में हो रहा था कि हाँ हम लोग चलेंगे हम लोग चलेंगे, तो मुझे लगा कि ये लोग चले जाने वाले हैं वाकई में सही में, क्योंकि ज़्यादा देर तो था नहीं, टाइम जो था वो 5 बज रही थी तो वो लोग आराम से जा सकते थे, 1.5 घंटा का रास्ता है। तो जैसे मैं निकला वैसे मुझे मैं मैसेज देखा, अरे
फोन नहीं लग रहा है, तो मैं फोन किया फटाफट। फिर वजह जब से लगा, अरे ये लोग तो चले गए हैं, आवाज तो बड़ा शान शान सा है। मैं आकर के दरवाजा खोल कर देख रहा, दरवाजे पे ताला लगा हुआ है, और ये सारे लोग पहले से ही लाइट वाइट ऑफ करके अंदर में घुसे हुए हैं ये लोग। हम लोग का घर में ना दो दरवाजा, एक किचन से है जा सकते हैं और एक मेन है। तो हम क्या किए, जो मेन वाला है उसमें ताला लगा दिए, और जो किचन वाला है उससे अंदर आकर के अंदर से बंद कर लिए। तो वो ऐसा हो गया जैसे हम लोग कहीं जाते हैं तो परफेक्ट वो अंदर से बंद रहता है, ये बाहर से। तो देखे दोनों तरफ आके चेक कर रहे हैं, और हमको जो हंसी आ रहा कि हम अपना हंसी कंट्रोल ही नहीं कर पा रहे। और एंजल फुल सपोर्ट किए मेरा, पूरा लाइट हम ऑफ कर दिए थे लेकिन एक भी हल्ला नहीं की, मानना पड़ेगा। और उसके बाद जो भी हंसी है, उसका पापा आने के बाद जो हंसी है वो कि हम लोग प्रैंक कर दिए पापा के साथ। कैसे हंस रही थी एंजल, कैसे हंस रही थी, इतना हंसी। हम दूसरा बच्चा तो अंधेरा में चिल्लाता है, एंजल को चुप बोले तू एकदम चुप, पापा पापा खाली कर रही थी, लेकिन फुल सपोर्ट की है। इसके लिए एंजल का थैंक यू सो मच, हम लोग का प्रैंक सक्सेसफुल हो गया। तो फ्रेंड चलिए इस ब्लॉग को यहीं पर हम लोग खत्म करते हैं, ज्यादा लंबा नहीं करेंगे, फिर मिलेंगे एक नए ब्लॉग के साथ और मस्त ब्लॉग के साथ। तो तब तक के लिए बने रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, बाय।